आज देश भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है और इस खास मौके पर मुरादाबाद में पहली बार दो शिफ्टों में नमाज संपन्न कराई गई। नमाज के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने दो शिफ्टों में नमाज कराने का फैसला लिया था और यहाँ पहली शिफ्ट की नमाज शहर के नायब इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली ने पढ़ाई तो वहीं दूसरी नमाज इमाम शहर सैयद मासूम अली आजाद ने पढ़ाई। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि सभी ने अच्छे माहौल में ईद की नमाज अदा की। रोड पर कोई नहीं बैठा, सभी ने पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। उधर से वो लोग छूट जाएंगे, आपको इधर से जाने की अनुमति दे दी जाएगी।